हैं, गुरंत है। बहुत मुश्किल काम रहता है कि छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना, उनको स्टेज पे लाना, तो ये सैम गुरंग की मेहनत थी। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। कुंदा मता मता स्वागत है। और सभी व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि ये जो एनुअल फंक्शन की तैयारी सैम सर ने कराई है, और जो सर हमारे सैम सर है ना, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है हमारा फंक्शन है वो सक्सेसफुल हो पाया। और सर जब हमारा छोटा सा स्कूल था ना सर, तब से हमारे साथ है। थैंक यू सर, और हमेशा हमारे साथ जुड़िए रहे। और बहुत ही धासु इवेंट था, और जो कोरियोग्राफी सैम ने की थी यार, वाकई में माइंड ब्लोइंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का वीडियो बड़ा मस्त बनने वाला है, दो दिन का रहेगा। तो आज हमारे स्कूल में एनुअल की रिहर्सल चल रही है, तो स्कूल का नाम है डी स्पार्क। तो आपको मिलाते हैं हम अपने एमडी सर से। सभी व्यूअर्स को मैं कहूंगा कि ये जो एनुअल फंक्शन की तैयारी सैम सर ने कराई है, और बच्चों ने भी काफी जो दमखम लगाया है इसमें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास इनके जो टैलेंट है उसको पहुंचाएं। और आप सबका मैं वेलकम करता हूं, जब भी सैम सर का लाइव होंगे तो आपका साथ हमें चाहिए उस वक्त, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम करेंगे हम यहाँ पे रिहर्सल, तो अभी हमारा रिहर्सल चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो अभी हमारी भंगड़े की रिहर्सल हो चुकी है, तो भंगड़े बॉयज से मिलाता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे भंगड़े बॉयज कल मचाएंगे। तो अभी हमारी वेलकम की प्रैक्टिस हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चों ने, गर्ल्स ने काफी अच्छा डांस किया, तो मिलाता हूँ मैं आपसे गर्ल्स। तो अभी हमारी प्यारी प्यारी गर्ल्स ने बहुत ही अच्छा डांस किया घूमर, तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपनी घूमर गर्ल्स से। तो अभी हमारी डोगरी डांस की भी रिहर्सल हो चुकी है, तो जम्मू में है तो अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। तुंदा मता मता स्वागत है। तो अभी हमारी फाइनल रिहर्सल हो चुकी है, तो ये हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस है, तो काफी मेहनत की है बच्चों ने। तो अभी मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, फिर भी मैं मिलाता हूँ आपसे। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कल तबाही मचाने वाले हैं, तो जो भी शॉट मैं डालूंगा प्लीज उसको देखना अच्छे से और लाइक भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स काफी मेहनत कर रहे हैं, कल की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे मैम ने काफी अच्छा फ्लावर बनाया। मैम दिखाना प्लीज, मेरे ऑडियंस को दिखाऊं। तो ये काफी अच्छा फ्लावर बनाया मैम ने, तो कल देखते हैं कैसा डेकोरेशन होता है। और ये काफी अच्छा लिखा हुआ है, हैंड से लिखा हुआ है, काफी अच्छा फॉन्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे कटिंग चल रही है। तो अभी मेरे लिए चाय आ चुका है भाई, चाय पी लेते हैं। टीचर्स को भी दे दो भाई चाय, बेचारे काफी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ वेन्यू पे, तो स्टेज बनवा रहे हैं, देखते हैं कैसा बना है। तो कल की तैयारी फुल है, देखते हैं स्टेज कैसा बना है। थोड़ा बड़ा बनाओ बोला था मैंने, तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये है हमारा स्टेज। तो दोस्तों स्टेज हमारी बन रही है, तैयार हो रही है, तो निकलते हैं, कल की तैयारी करनी है काफ़ी। तो थोड़ा बच्चों के लिए ड्रेसेस भी लाने हैं, थोड़ा सा साइजिस का थोड़ा चक्कर पड़ गया था, तो निकलते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनली अभी हम मॉर्निंग में आ चुके हैं अपने फंक्शन के वेन्यू पे, और ये हमारे बच्चे। वो क्या होगा, मम्मा पास जाना है। तो दोस्तों स्टेज हमारी अच्छी खासी तैयार हो चुकी है, काफी अच्छी लग रही है। मौसम थोड़ा खराब हो चुका है, हो जाएगा ना सर, ठीक हो जाएगा ना, हो जाएगा बस बारिश ना आए। तो अभी हमारे बच्चों की स्टेज रिहर्सल चल रही है, तो ये मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया मैंने इन लोग को। अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से करोगे सब? यस सर। चलो तो फाइनली मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और अपने फंक्शन में आ चुके हैं हम लोग। तो मिलाता हूँ मैं आपको नैन्सी मैम से, हमारी प्रिंसिपल से। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ
दीज पार्क का डिजिटल कलर्स नैन्सी शर्मा एंड आज हमारा एनुअल फंक्शन है एंड आई होप कि आप सभी हमारा एनुअल फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे. प्लीज सर को बहुत सारे लाइक्स एंड शेयर कीजिए और सो दैट हमारे भी स्कूल की रिप्रेजेंटेशन जो है. थैंक यू. और मैम एक्साइटेड है? बिल्कुल सर, बहुत एक्साइटेड. तो अभी वेलकम के लिए हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स स्टाफ तैयार हैं. हेलो टीचर्स. यस, ये हमारे स्टूडेंट्स. हेलो. सुंदर सुंदर हमारे सरस्वती वंदना. तो जैसे चीफ गेस्ट आते हैं हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. करेंगे ये खूबसूरत परफॉर्मेंस जितनी भी है उसको सैम गुरंग ने कोरियोग्राफ किया है, इन बच्चों को सिखाया है. तो इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है. मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है. आपने परफॉर्मेंसेस देखी है उसपे जो है बच्चों की मेहनत तो थी, लेकिन जो उसे कोरियोग्राफ किया था, बच्चों को तैयार किया था, वो सैम गुरंग थे. बहुत मुश्किल काम रहता है कि छोटे छोटे बच्चों को तैयार करना, उनको स्टेज पे लाना. तो ये सैम गुरंग की मेहनत थी जो आज रंग लाई है. तो टीचर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां सभी के लिए, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है बच्चों को जो है मैनेज करना. इट्स अ टफ जॉब. ये बहुत आसान लगता है लेकिन ये इतना आसान नहीं है. तो ये इन सभी की मेहनत थी जो आज आपको यहाँ पे मंच पर दिखी. तो ये हमारे सारे स्टाफ एक बार ऐसे करते सब
मैं ब्लॉग में डालूंगा ये सब, ठीक है? लाइक शेयर कमेंट करना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, बट मैं आपको ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो मेरे साथ ना काफी सालों से काम कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, तो मुझे काफी प्राउड फील होता है इनसे मिलके। आपको पहले ब्लॉग में भी मैंने बताया था, तो आज फिर मेरे साथ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरफान चौधरी सैम के साथ आज के इस ब्लॉग में। तो आज का हमारा इवेंट जो है खत्म हो चुका है और बहुत ही धासु इवेंट था, और जो कोरियोग्राफी सैम ने की थी यार, वाकई में माइंड ब्लोइंग। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह काम करवाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसके मुंह पे बोलता हूँ, ये इसको भी पता है कि मैं इसकी तारीफ हमेशा दिल से करता हूँ। तो ब्लॉग देखते रहिए, इसके काम को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर का प्यार है। बाकी इवेंट सच में काफ़ी अच्छा गया, तो काफ़ी मज़ा आया। तो अभी पैकअप है हमारा, तो फाइनली हमारा फंक्शन अच्छा हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। तो नैन्सी मैम से हम रिव्यू लेते हैं। मैम कैसा लगा आज का? सर पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू, शायद आपने हमारा जो परफॉर्मेंस है वो लाइव देखी होगी, हमारी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं आगे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चे गा लो और उनको मैं हार्डर एंड हार्डर करूँगी कि वो हमारे मतलब जो बच्चे हैं वो उनकी उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए। और जो सर हमारे सैम सर है ना, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है हमारा फंक्शन है वो सक्सेसफुल हो पाया है। अगर ये नहीं होता तो हमारा सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाता। और सर जब हमारा छोटा सा स्कूल था ना सर, तब से हमारे साथ है। थैंक यू सर, और हमेशा हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी मज़ा आता है आपके साथ काम करके, क्योंकि ना कोई मेरे को ना रोक टोक होता है, मैं मतलब अपना घर बोल के अपना स्कूल बोल के काम करता हूँ, तभी ये अच्छा। थैंक यू सो मच। आपको भी वीडियो पसंद आया होगा मुझे पता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपको पता है क्या करना है, तो अभी खाना खाते हैं, दाल चावल अम्बल क्या क्या बना हुआ है तो लपेटते हैं, बड़ी भूख लगी है। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं ये वीडियो, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।